हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सिमरन खातून। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, मम्मी पानी लाने जा रही है। जब पापा थे तब भी मम्मी पानी लाने आती थी और अभी भी मम्मी ही पानी लाती है। दूर जाना पड़ता है लाने के लिए, हम ला नहीं पाते इसलिए मम्मी ही जाती पानी लाने। मम्मी का तबीयत ठीक भी नहीं रहता, शाम को नहीं जाती क्योंकि बहुत गाड़ी चलता है शाम को। और फ्रेंड्स, मेरे मुर्गियों ने बच्चे उठाए हैं। ये देखिए, 6 बच्चे उठाए हैं, क्यूट सा। मुर्गा बुला रहा है मुर्गी को, पर वो आराम से घूम रही है। मेरी एक डांस वीडियो आने वाली है आप सबके फेवरेट सॉन्ग पे, झूमे जो पठान मेरी जान, इस सॉन्ग पे। तो फ्रेंड्स, आप लोग वेट कीजिएगा, उस वीडियो पे ढेर सारा प्यार दीजिएगा। A few moments later, मम्मी गए थे पानी लाने पर वो नल से पानी ही नहीं आ रहा है। अभी हम लोग जा रहे हैं कब्रिस्तान तरफ। देखिए, हम लोग पहुंच गए पानी लेने के लिए। इस नल से पानी लेंगे। हाँ, और ये पता नहीं क्यों उसको कोड़ा गया था, वैसे ही पड़ा हुआ है। एक साल हो गया इसको कोड़े हुए, एक साल नहीं 2 साल हो गया। ये वाला गड्ढा तो तालाब बन रहा था, अभी तक बनते हैं। इसी में लगता केस बना था। हाँ, इसी में केस बना था लगता शायद। पैसा खा गया सबका, तालाब बना नहीं। यहाँ तालाब बनता तो और पब्लिक को आराम रहता। कौन आएगा इधर तालाब में कब्रिस्तान तक? तालाब से ज़्यादा चापाकल का जरूरत है। हम लोग के घर के बगल में चापाकल है लेकिन पानी नहीं निकलता, बंद है। नया है फिर भी। ये एक दिन जाके चला रही है, देख रही है पानी नहीं आ रहा। हम लोग सोचे कि बगल से हो जाएगा आसानी बढ़ लेंगे, लेकिन देख रहे पानी ही नहीं है। इधर का सीन देखिए, अच्छा है ना? चारों तरफ पलाश का फूल है, चारों तरफ। ये मेरा साइकिल है, इसको मम्मी यहाँ से सिम जोड़ी है, वहाँ से लेके आई थी बहुत दूर, वो भी पैदल लेके आई उतना दूर से, सिम जोड़ी बाजार पैदल खेलते हुए लेके आए थे घर में, लेकिन हम चलाते ही नहीं हम तो इधर आ जाएंगे चलाने के लिए। अभी पहले इधर मेरा वीडियो में तो आप लोग देखे, ये चारों तरफ हरा भरा हुआ करता था, अभी इतना घर बन गया है कि क्या ही बोले, पूरा खत्म हो गया। तो फ्रेंड्स, पानी भर चुका है और अब देखिए हम लोग कितना दूर आए थे। अभी दिखाएंगे पूरा सीन, कितना टाइम लगा अभी जाने में, देखते चाहिए। देखिए कचरा, देखिए पानी का, अगर छापते नहीं लग रहा है लैट्रिन। अगर फिल्टर नहीं होता और फिर भी अगर ये पानी भले ही छाक दिए हो, लेकिन फिल्टर होने के बाद ये पानी अच्छा हो जाएगा। नहीं रहता फिल्टर तो फिर तबीयत खराब होना कोई रोक नहीं सकता। अभी क्यों नहीं पेट दर्द हो रहा है? क्योंकि फिल्टर पानी पी रहे हो। कितना गंदा निकला, बाप रे। 3 कैंडल वाला था फिल्टर, दिखाएंगे आपको घर चल के। इलेक्ट्रिक वाला नहीं है बाबा, हम लोग का मौसम बहुत बढ़िया है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है, वो भी कुछ ही देर के लिए, उसके बाद फिर गर्म हवा चलना शुरू हो जाएगा 12 बजे से, पर अभी तो अच्छा लग रहा है। कल हम लोग का पर्व है सबे बारात, कल बनेगा दोस्ती रोटी, सूजी का हलवा, चना दाल का हलवा। वो देखिए तितली, वो वाइट वाला पेड़ बहुत खूबसूरत है, वहाँ एक दिन बनाएंगे वीडियो, दिखाएंगे आपको। हाँ, उधर भी है, इधर भी
थोड़ा जाने में दिक्कत होगा, ये लाल रास्ता आ जाएगा, बहुत खूबसूरत होगा। देखिए उतना दूर हम लोगों ने क्रॉस कर लिया है, अब हम आगे बढ़ रहे हैं। कब्रिस्तान पार हुआ, पीने का पानी के लिए इतना दूर आना पड़ रहा है, सोचिए। कुएं में पानी है लेकिन वो गंदा है, उसे पिया नहीं जा सकता। हाँ उसको पीने से पेट वेट खराब हो सकता है, तो रिक्स नहीं लेंगे, तबियत बिगड़ सकती है। जब से हम लोग यहाँ आए हैं कुआं एक बार भी साफ नहीं हुआ है। शाम को रोड पूरा बिजी रहता है, डंपर चलता है, डंपर। और हम लोग इधर रोड बन गया है, थोड़ा रह मतलब कि आराम है। बहुत सारा गड्ढा गुड्ढी था, अभी तो और स्पीड आता है, पहले स्पीड नहीं आता था। अभी कभी भी एक्सीडेंट हो सकता है क्योंकि रोड प्लेन हो गया तो सब बहुत तेजी से बाइक चला रहे। सरकार को बम्पर देना चाहिए था कि इतना स्पीड का डंपर सब जो जाता है, कम से कम घर के सामने तो थोड़ा स्लो चलाए, नहीं अब ओवरटेक करेगा। एक डंपर जा रहा है, दूसरा डंपर आकर के ओवरटेक करेगा, पब्लिक जंगल में जाएगा फिर। और ट्रक वगैरह तो एकदम इंसान के घर के पास से लेके गुजरेगा। पब्लिक से तो टैक्स ले लेता है सरकार, लेकिन कुछ पथ चलने पर ये जगह नहीं बनाया, थोड़ा सा ऊंचा कर देगा साइड में ना, तो डंपर सब चढ़ नहीं पाएगा वहाँ पे। और पब्लिक बच्चा ले, खास के औरत है, बच्चा आराम से जा पाएगी। ज़्यादातर तो हादसे वही लोग के साथ होता है, बच्चा संभालते संभालते माँ खुद घिस जाती है। आगे ओ, अभी नहीं आए हैं, अभी और थोड़ा दूर है। हाँ। 2 किलोमीटर तो पास हो ही गए। अरे हाँ हमको पता है, वो भी और ये भी दोनों खराब है। फिर एक्सीडेंट भी हो रहा है ना, अच्छा भी है प्रॉब्लम भी है। अभी 2 एक्सीडेंट ज़्यादा हो रहा है, हाथी मार रहा है, हाथी से तो सब परेशान, गाड़ी से मार रहा है। तो फाइनली गाइस हम लोग घर आ गए हैं, और ये देखिए रोड। यह मेरा हमेशा का ड्यूटी है, आज से 6 साल पहले भी यही काम मेरा था और आज भी यही काम। तो फ्रेंड्स मम्मी चावल लाने गई है, घर का चावल ख़त्म हो गया है, तो मम्मी लाने गई है, अभी आती होगी, वेट करते हैं हम लोग। A few hours later ये देखिए फ्रेंड्स मम्मी आ गई चावल लेके। बहुत धूप है बाहर, बहुत ही कड़ा धूप है। पहले भी मम्मी ही जाती थी चावल लाने के लिए, अभी भी मम्मी ही जाती है। सब्जी भी लेके आई है, घर में सब्जी नहीं था। ये देखिए फ्रेंड्स है मम्मी कैसे उठा के लेके जाएगी चावल। देखिए गेट खोल देते, 8-9 साल से लेके आ रहे हैं, पाँव में दर्द है फिर भी। ये देखिए फ्रेंड्स यही है हम लोग का फिल्टर, 3 कैंडल वाला, आपको दिखाते हैं, रुकिए। ये देखिए पानी ढालना होगा, खाली पानी खाली हो गया, इसी की वजह से हम लोग का तबीयत खराब नहीं होता है। घर का सारा काम हो गया है, झाड़ू पोछा, भात भी बन चुका है। आलू मम्मी कोहरा लेके आई है, आलू लेके आई है, प्याज 2 किलो और कोहरा 1/2 किलो ले लिया, इसका सब्जी बना दो, सुखा बना दो, नहीं बनाएगी थक गया, हमको बैठने दो थोड़ा सा।